नमस्कार, मैं हूं नाजिया और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। 6 बार की विश्व चैंपियन भारत की मुक्केबाज एमसी मैरी कॉम कोलंबिया की इंग्रिड लोरेना वॉलेंसिया के हाथों हार गई हैं। इसके साथ ही उनका ओलंपिक में सफर थम गया है। सुपर मॉम मैरी कॉम जब गुरुवार को रिंग में उतरी तो उनके कंधे पर करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों का बोझ था। मेरी अब तक उन उम्मीदों पर खरी भी उतरी थी। रिकॉर्ड 6 बार वर्ल्ड चैंपियन भी बनी, दुनिया भर के बड़ी टक्करों में देश का गौरव बढ़ाया, ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया, कमी थी तो सिर्फ गोल्ड मेडल की। जिस सपने के लिए उन्होंने 38 साल की उम्र में भी बॉक्सिंग जारी रखी और अपने सपनों का पीछा करती रही, हालांकि ये सपना टोक्यो ओलंपिक में टूट गया है। ये वही मैरी कॉम है जो बड़े से बड़ा खिताब जीतने के बाद भी हमेशा लाइमलाइट से दूर रही, लेकिन आज उनकी एक हार ने उनको कैमरे के सामने चिल्लाने पर मजबूर कर दिया। वो चाह कर भी अपने आंसुओं को छिपा नहीं पाई और मैरी कॉम के ये आंसू चीख चीख कर अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। इस रिपोर्ट में हम कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरी कॉम को महिला बॉक्सिंग के प्री क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया की इंग्रिड वॉलेंसिया से 2-3 से हार का सामना करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज पहले राउंड में 1-4 से पिछड़ गईं, जिसमें 5 में से 4 जज ने 10-9 के स्कोर से वॉलेंसिया के पक्ष में फैसला किया। अगले 2 राउंड में 5 में से 3 जजों ने मैरी कॉम के पक्ष में फैसला किया, लेकिन कुल स्कोर फिर भी वॉलेंसिया के हक में रहा। यह विडंबना ही है कि वो 3 में से 2 राउंड जीतने के बावजूद हार गई। भारत की महान मुक्केबाज मैरी कॉम के साथ अपने अंतिम ओलंपिक मुकाबले में ऐसा ही हुआ। मुकाबले के बाद 38 साल की मैरी कॉम ने कहा, नहीं पता कि क्या हुआ है। पहले दौर में मुझे लगा कि हम दोनों एक दूसरे की रणनीति को भापने की कोशिश कर रहे हैं और इसके बाद मैंने दोनों राउंड जीते। जब रेफरी ने मुकाबले के अंत में वॉलेंसिया का हाथ ऊपर उठाया तो मैरी कॉम की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान थी। जिस तरीके से वॉलेंसिया पहली घंटी बजने के बाद भागी थी, उससे लग रहा था कि यह मुकाबला कड़ा होने वाला है और ऐसा ही हुआ। शुरू से ही दोनों मुक्केबाज एक दूसरे पर मुक्के जड़ रही थी। कोलंबिया की तीसरी वरीयता प्राप्त इंग्रिड वॉलेंसिया 2016 रियो ओलंपिक की ब्रांच मेडल विजेता है। मैरी कॉम इससे पहले 2 बार इस कोलंबियाई मुक्केबाज से भिड़ी थी और दोनों में जीती भी थी, जिसमें 2019 विश्व चैंपियनशिप का क्वार्टर फाइनल भी शामिल है। लेकिन इन सब में ये सबसे अलग है कि जीती तो इंग्रिड वॉलेंसिया है, लेकिन हर जबान पर मैरी कॉम के चर्चे हैं और ये चर्चे चीख चीख कर इस बात की तस्दीक दे रहे हैं कि क्या ओलंपिक में बैठे जजों का फैसला सही है, क्या भारत के साथ धोखा नहीं किया गया, आखिर क्यों भारत की सुपर मॉम जीत कर भी हार गई है। अगर इतिहास पर भी नजर डालें तो मैरी कॉम बड़े बड़े धुरंधरों को शिकस्त देती आई है। मैरी कॉम की हार हमें याद दिलाती है मीराबाई चानू की। जी हाँ, वही मीराबाई चानू जो ओलंपिक के पहले दिन ही भारत के लिए सिल्वर लेकर आई थी, लेकिन उनसे उम्मीद गोल्ड की थी, मतलब हमारे साथ यहाँ पर भी धोखा हुआ। बाद में मीरा को टक्कर देने वाली गोल्ड मेडलिस्ट जी हुई का डोप टेस्ट कराने की बात जरूर सामने आई, लेकिन आज तक उस पर कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ओलंपिक के जजों में इतनी सुस्ती क्यों है। बात मैरी कॉम की पिछली जीत की करें तो उनका इतिहास शानदार रहा है। इससे पहले उन्होंने डोमिनिका गणराज्य के मिंगुएलिना हर्नांडिस गार्सिया पर शानदार जीत से प्री क्वार्टर फाइनल में एंट्री ली थी। ओलंपिक 2012 की ब्रॉन्ज मेडल विजेता मैरी कॉम ने अपने से 15 साल जूनियर और पैन अमेरिकी खेलों की ब्रॉन्ज मेडल विजेता को 4-1 से शिकस्त दी थी। मैरी कॉम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, मुझे फैसला समझ नहीं आया, टास्क फोर्स के साथ क्या दिक्कत है, IOC के साथ क्या दिक्कत है, मैं भी टास्क फोर्स की सदस्य थी, साफ सुथरे मुकाबले कराने के लिए मैंने उन्हें सुझाव भी दिए थे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ही क्या कर दिया। मैं रिंग के अंदर खुश थी, जब बाहर आई तब भी खुश थी, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि मैं जीती हूँ। जब वे मुझे डोपिंग के लिए लेकर गए तब भी मैं खुश थी। जब मैंने सोशल मीडिया देखा और मेरे कोच ने बताया
तब पता चला कि मैं हारी हूँ। मैं उस लड़की को दो बार हरा चुकी हूँ। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि रेफरी ने उसका हाथ उठाया। मैं कसम खाती हूँ कि मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि मैं हारी हूँ। मुझे पूरा भरोसा था। मैरी कॉम ने आगे कहा, एक मिनट या एक सेकंड के अंदर एक एथलीट का सब कुछ चला जाता है। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं जजों के फैसले से निराश हूँ, लेकिन वो खेल को अलविदा कहने के मूड में नहीं है, जबकि उनका ओलंपिक का सफर टोक्यो सत्र में ही खत्म हो गया है। उन्होंने कहा, मैं ब्रेक लूंगी, परिवार के साथ वक्त बिताऊंगी, लेकिन मैं खेल नहीं छोड़ रही हूँ। अगर कोई टूर्नामेंट होता है तो मैं जारी रखूंगी और अपनी किस्मत आजमाऊंगी। भले ही भारत की सुपर मॉम मेरी कॉम आज ये जंग हार गई है और भारत को गोल्ड दिलाने का उनका ये सपना यहीं टूट गया है, क्योंकि मेरी कॉम का ये आखिरी मुकाबला था और इसी के साथ उनका ये सफर खत्म हो गया है। लेकिन आज पूरा भारत उनके साथ है और उनके जज्बे को, उनके साहस को सलाम करता है। मेरी कॉम आज हमारे लिए वो बाजीगर बन गई है जो हार के भी जीत जाते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।